राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जशपुर में भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। राम वी सुतार द्वारा बनाई गई 12 फुट की मूर्ति को भाजपा के जूदेव और राज्य में उनका प्रभाव दोनों को पुनर्जीवित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मूर्ति बनाने वाले राम वी सुतार वही हैं जिन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी और बेंगलुरु में नाथ प्रभु केम्पे गौड़ा समृद्ध की मूर्ति बनाई थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे दिलीप सिंह जूदेव। जूदेव का जन्म 8 मार्च 1949 को जशपुर के तत्कालीन शाही परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद ये रियासत अविभाजित मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले का हिस्सा बन गई। 2000 में छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद जशपुर नए राज्य का हिस्सा बन गया। जूदेव के पिता राजा विजय भूषण सिंह जशपुर के अंतिम शासक राजकुमार थे। 1992, 1998 और 2004 में 3 बार राज्यसभा के लिए दिलीप सिंह को चुना गया। इसके बाद 2009 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लोकसभा सांसद के रूप में उन्हें चुना गया। वे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री भी थे। जूदेव आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी थे। एक करिश्माई नेता के रूप में जाने जाने वाले जूदेव को अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में अपने योगदान के साथ राज्य में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने राज्य की स्वदेशी आबादी के साथ बड़े पैमाने पर काम किया। उनकी लोकसभा प्रोफाइल के अनुसार उनकी रुचि आदिवासियों के उत्थान, हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का संरक्षण और हिंदुओं के घर वापसी कार्यक्रम में थी। जूदेव को छत्तीसगढ़ में विवादास्पद घर वापसी अभियान शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। जूदेव उन स्वदेशी लोगों के पैर धोते थे जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और उनके लिए हिंदू धर्म में उनके पुनः प्रवेश का इंतजाम करते थे। भले ही उस समय उनके कामों को पार्टी के बाकी नेताओं से बहुत कम समर्थन मिला और काफी आलोचना मिली, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा की राजनीति को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 2009 में बिलासपुर जिले के अखरार गांव में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं एक व्यापक रूप से यात्रा करने वाला व्यक्ति हूं। मैं कई देशों में मिशनरियों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति को जानता हूं। यह सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, इससे देश का चरित्र बदलेगा। क्रॉस हिंदू मंदिरों के पास आया है, क्या हम वेटिकन में कहीं भी हनुमान मंदिर बना पाएंगे? मैं ईसाइयों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन केवल धर्मांतरण के खिलाफ हूं। मैंने आखिरकार रांची के एक ईसाई संस्थान में अध्ययन किया है। स्वदेशी समुदाय पर जूदेव के प्रभाव ने छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से सरगुजा संभाग बिलासपुर बेल्ट में भाजपा के चुनावी प्रभुत्व में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। 2003 से जब छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में आई थी। भाजपा सिर्फ 2018 के चुनाव में कांग्रेस से हार गई। 16 नवंबर 2003 को विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले द संडे एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार जूदेव को राज्य में खनन अधिकारों के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद किया गया था। वीडियो में जूदेव को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। बाद में उन्होंने कहा था कि जब तक मैं VCD नहीं देखूंगा, मैं इसका खंडन करूंगा। मैं अंतरराष्ट्रीय ताकतों से लड़ रहा हूं, यह सब उसी का हिस्सा है। हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जूदेव का निधन 9 साल पहले 14 अगस्त 2013 को हुआ था। उनकी प्रतिमा का अनावरण अगले साल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किया गया है।